गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो हम आज एक नई जगह जा रहे हैं, वो है जंपू हिल, हमारे स्टेट के सबसे ऊंचा वाला पहाड़ी। सो उधर के नज़ारा ही कुछ और है, मतलब अमेजिंग है, सब बोल रहे जाने के लिए, तो हम भी सोच रहे हैं चलो चलते हैं। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सो हम फाइनली पहुंच गए, हमारा पहला स्टेशन वो है उदयपुर। और ये हमारा पहला स्टेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास है और दिखने में देखो कितना अच्छा नजारा है ना। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इधर का कुछ बात ही अलग है। इधर सब शांत माहौल है, लोग इधर अड्डे शड्डे मारने आ जाते हैं इवनिंग को। देखो सनसेट, आहा क्या नजारा है। देखो फाइनली तो हम पहुंच गए। और ये जो स्ट्रक्चर है स्टेशन का, वो माता त्रिपुरेश्वरी टेम्पल इधर है, तो उनके टेम्पल के साथ रिजेंबल करके ये बनाया हुआ है। और ये है, थोड़ा क्लोज इन कर रहे हैं हम, ये है स्टेशन का कुछ नज़ारा। देखो आप लोग, बढ़िया है ना, सुंदर है बहुत ज़्यादा। दिखने में थोड़ा राजमहल जैसे लग रहे हैं, देखो कितना सुंदर है। और ये देखो, ये जनाब आ रहे हैं लुंगी पहन के। एक्चुअली इधर के जो प्रधान पोशाक है कंफर्ट जोन के लिए, वो इधर एक इसको भी माना जाता है लुंगी। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया हमारे वीडियो में, ये जो पोशाक पहन के आए हैं ना, हमारे इधर कैसे टाइप के ड्रेसअप होते हैं उसका थोड़ा रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, धन्यवाद आपको। हाँ ये है स्टेशन फाइनली, देखो सब वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए। ये है हमारे जनाब भाई सुधन, वो दिखा रहे हैं कैसे कैसे जाना पड़ता है, कैसे कैसे कौन से बग्गी में जाना है। वही अभी तक कोई नहीं आए, हम सबसे पहले आए हुए हैं। थोड़ा बहुत एक दो पैसेंजर है। फाइनली कुमारगढ़ टू जंपुई गाड़ी में आ गए। अब इधर कोई ट्रेन वेन नहीं है, इधर यहाँ से गाड़ी से जाना पड़ेगा। कौन नहीं आना चाहेगा ऐसी खूबसूरत जगह पे, इतना सुंदर है हर जगह पे, वादियाँ हरा भरा एटमोसफियर, देखो कितना अच्छा जगह है। जी करता है इधर ही रह जाए पूरे टाइम के लिए, लाइफ टाइम। अभी इधर थोड़ा बहुत रास्ते का काम चल रहा है, तभी इतना धूल मिट्टी है, अदरवाइज रास्ता क्लियर ही था पहले। मतलब मैं गई नहीं, बोला था पहले जो जो भी गए
लोगों ने बोला कि ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, इधर काम चल रहा है ना, ये नेशनल हाईवे बन रहा है, तो अभी फिलहाल काम चल रहा है। देखो नजारा, देखो इधर से देखने में, जो लोगों को ऊंचाई से डर लगता है उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा खाई टाइप की है, इधर इतना सिक्योरिटी नहीं है, ज़्यादा साइड में गए तो खाई में गिर सकते हैं, तो जिनको ऊंचाई से डर लगता है थोड़ा सावधान रहे। वैसे भी अभी रोड बन रहे हैं तो रास्ता भी ख़राब है थोड़ा बहुत, बट फिर भी यंग ब्लड है, लोगों को डेयर लेना पसंद है, तब भी सब इधर आ रहे हैं। देखो काम चल रहा है हर जगह पे, 3-4 ड्रॉजर ऐसे काम में वो बिजी है सब। और फाइनली हम आ गए हमारे जम्पोई का, जम्पोई हम पहुंच गए उधर के पहला विलेज, और हम अभी आए हैं इडन टूरिस्ट लॉज पे। फाइनली ये इकलौता अच्छा लॉज है इधर के, दिखने में बहुत सुंदर है और ये कंफर्टेबल है, ऐसा मतलब रेटिंग्स में ये ही सबसे अच्छा है इधर के होटल पे। इधर होटल तो है सही है, बट इधर एक चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर अवेलेबल रेस्टोरेंट नहीं रहते, और चाय कॉफ़ी जो भी है ना वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो इधर खाने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता रहता है। अदरवाइज आप लोग घर से स्नैक्स वगैरह ला सकते हैं। और ये है फाइनली टेरिस, जो रूफ टॉप है उधर से व्यू है, ये है होटल का। अरे यार ये लोग तो फिर से फोटो में बिजी हो गया है, यही चलता रहता है, क्या हम ब्लॉग बनाए बस फोटो ही फोटो। चलो कोई ना, फिर से आ गए हम, ये है नज़ारा रूफटॉप से, कितना बढ़िया है देखो, आहा कितना बढ़िया है, शानदार है ना, यही तो देखने वाली चीज़ है। इसके लिए इतना दिक्कत, मतलब हम कष्ट उठा रहे थे। और ये होटल का नज़ारा, एक्चुअली इधर दो बिल्डिंग है, एक न्यू वाली बिल्डिंग है ये वाला, और एक है ओल्ड बिल्डिंग, तो हमको रूम नहीं मिले थे तो हमको ओल्ड बिल्डिंग में रहना पड़ा, वो भी अच्छा है, बट न्यू वाली बिल्डिंग न्यू है ना, तो वो थोड़ा फ्रेश है। और ये है ओल्ड बिल्डिंग जो हम जिधर जा रहे हैं अभी, तो ये है नज़ारा देखो। सब लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत क्लीन अप चल रहा है रूम का, लिमिटेड रूम है ना, तभी थोड़ा बहुत क्लीन अप चल रहा है। और इधर का बुकिंग बहुत पहले से करना पड़ता है, हमने एक मंथ पहले बुकिंग किया था, फिर भी वेट करना पड़ा बहुत टाइम। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, सब घूम रहे हैं। एक्चुअली क्यों आए हैं, क्योंकि आज तो स्पेशल डे है ना, तभी आज ज़्यादा बुकिंग का प्रॉब्लम है, रूम थे ही नहीं एक भी। चलो हम फाइनली जा रहे हैं हमारे रूम पे ओल्ड बिल्डिंग में, इसका नज़ारा कुछ ऐसा है व्यू पीछे से हमारे। हम रुके फर्स्ट फ्लोर पे, वाह देखो इन जनाब को देखो, ये मेरा दोस्त है, हाँ हर टाइम फ़ोन पे बिज रहे, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, मेरे को घंटा समझ नहीं आया। हाँ और एक हीरो आ गया छड्डी पहन के। इधर रूम ऐसा है कुछ, सब रिलैक्स मोड में है, ये मेरा हीरो भाई फ़ोन पे बिजी है, ये है रूम। ये है रूम का, वो लाइट नहीं थे तभी बाथरूम का
अच्छा ये व्यू है इंडिया का। और ये लाइट नहीं थे तब ही, इतना अंधेरा है तब लाइट नहीं थे। हाँ चलता है, अच्छा अच्छा है बात सुन, मतलब इधर के लिए तो बहुत अच्छा है। ये कुछ फोटो है सनसेट के होटल से, इधर से फोटो खींचना चालू कर गया इन्होंने। ये देखो एक से बढ़कर एक हीरो। और हम फाइनली जिसके लिए आए थे, ये है सबसे सुंदर चीज़ उस दिन इवनिंग की, ये है भांगनुंग विलेज। क्रिसमस इधर सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ है देखने वाले भांगनुंग विलेज। देखो ये है चर्च, ये 1919 में बनाया हुआ है, ये चर्च बहुत सुंदर है। ये अब तब चर्च ओपन नहीं किया था तो हम वेट कर रहे थे, एक बहुत सारे पिक्चर खींच लिए थे, नहीं एक तो मैं गलती से बोल रही थी, इधर बहुत सारे पिक्चर हमने खींचे थे जितना पॉसिबल हुआ उतना ही। अरे क्या करें, हमको आदत है फ़ोटो खींचने की, वही कुछ फ़ोटो है फोटोज़ वगैरह। देखो ये गिफ्ट बॉक्स तो है बट इसमें कुछ है नहीं, खाली है। देखो बच्चे जैसे हरकत करने लग गए, सूदन फिर से। देखो नज़ारा देखो कितना सुंदर है, देखो इधर से सनसेट, ये भी हमारे फोटो है। ये सबसे मतलब अट्रैक्टिव चीज़ था उस इवनिंग की, क्रिसमस डे की साइकिल, हमको बहुत मज़ा आया और हमने इसका बहुत पूरा तरह फ़ायदा उठा लिया। ये देखो व्यू, ये उधर के विलेज का व्यू, हम वेट कर रहे थे थोड़ा बहुत। आहा ये देखो बच्चे फोटो खींच रहे हैं, अमेजिंग जगह है। इसका भी वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो भांगनुंग विलेज का दिखने में कैसे है। एक्चुअली हम रात में गए थे तो ये रात का व्यू है क्रिसमस डे में, और दूसरा वीडियो आने वाले हैं, आप लोग वेट करना। हाँ तो फाइनली ये भांगनुंग बैप्टिस्ट चर्च है, इधर प्रे का टाइम हो गया, सब अभी आ रहे हैं एक एक करके। इधर का शान बहुत सुंदर है, बहुत हॉली है। हम इधर वेट कर रहे हैं, लोग जा रहे अंदर जा रहे हैं, दो मोहतरमा पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको रिसीव शायद। हाँ देखो ये अंदर का नज़ारा, फिर से फोटो खींचना चालू। सुंदर सुंदर या चीज, सुंदर या चीज नीज। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, लाइक करना शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।